और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। स्टैंडिंग में डिजिटल होर्डिंग और खाली गालों की रेटिंग का सुझाव, सदस्यों ने कहा बढ़ेगा मनपा का रेवेन्यू। नवी मुंबई मनपा द्वारा पेश 3,850 करोड़ के बजट पर बुधवार को 8 सदस्यों की बहस चली। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन नवीन गौते ने सदस्यों के सुझाव के बाद विश्वास जताया कि बजट में 400 से 500 करोड़ की बढ़ोतरी की जा सकती है। पिछले साल के 4,020 करोड़ के हवाई बजट के अनुपयोग के सवाल पर सभापति ने मनपा की विफलता को स्वीकार करते हुए दावा किया कि बजट रियलिस्टिक हो और शहर के विकास एवं जनता के कल्याण की योजनाएं सिर्फ किताबों में न रहे बल्कि जमीन पर साकार हो, इसके लिए प्रशासन पर सख्ती बरती जाएगी। एडवर्टाइजिंग डिजिटल बोर्ड बताया गया, क्या डिजिटल बोर्ड बहुत सारी जगह में, अभी स्वच्छ भारत के मिशन के अंतर्गत कुछ ही जगह पर, यानी गिनी चुने ही जगह पर डिजिटल स्क्रीनिंग लगाया था, मगर वो स्क्रीनिंग उसी समय पे था जब तक स्वच्छ भारत चालू था। सब सदस्य का ऐसा कहना है क्या वो जो डिजिटल स्क्रीनिंग है, वो डिजिटल स्क्रीनिंग हर जो लैंडमार्क है, यानी मुख्य जहाँ पर लोगों का आकर्षित होगा ध्यान, उस आकर्षित ध्यान की तरफ पर हर जगह पर डिजिटल स्क्रीनिंग हमेशा के लिए लगा जाए, ताकि उस पर एडवर्टाइजिंग हो, पंतप्रधान का संदेश हो, मुख्यमंत्री का संदेश हो, मेयर का संदेश हो, या कुछ भी एडवर्टाइजिंग हो, उसके माध्यम से लोगों का जन जागृति कर सकते हैं। आप जिस तरह से प्रशासन ने 4,000 करोड़ के 3,800 करोड़ का जो बजट लाया है, वो बजट खाली कागज पे ना रहे, उसे अमल किया जाए। ये पैसा पब्लिक का है, ये पब्लिक टैक्स के माध्यम से मनपा को देती है, इसलिए प्रशासन को हम लोग यही सख्ती करेंगे क्या ये पैसा है पब्लिक के काम के लिए यूटिलाइज किया जाए, ना कि वो बैंक बैलेंस करके वो इंटरेस्ट के तौर पे। ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के लिए यूटिलाइज होना चाहिए और इसको शहर के ब्यूटिफिकेशन के लिए होना चाहिए, ताकि शहर को चार चांद लगे और स्वच्छ भारत के माध्यम से इसको ज़्यादा से ज़्यादा साफ सुथरा रखे, ताकि हम पहले नंबर पर आ सकें। बजट चर्चा के दौरान शहर में डिजिटल होर्डिंग, मनपा के खाली पड़े गालों की रेटिंग, बस स्थानकों का कमर्शियल विकास, अवैध पार्किंग, अवैध निर्माण एवं अवैध फेरी वालों से दोगुना दंड वसूली के जरिए राजस्व बढ़ाने का सुझाव, स्पोर्ट नर्सरी का विकास, अर्बन हार्ट की तर्ज पर विक्री केंद्र बनाने का मुद्दा सुर्खियों में रहा। डॉक्टर जया जिनार, नगर सेविका सरोज पाटिल, ज्ञानेश्वर सुतार, चेतन नाइक ने इस पर चर्चा की। नगर सेविका सलूजा सुतार ने शमशान में अंत्येष्टि के लिए टायर के बदले घरों से निकलने वाले नारियल जूट की सप्लाई का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि घंटा गाड़ी के जरिए घरों से इकट्ठा कर इसे बिना एक्स्ट्रा खर्च शमशान में पहुंचाया जा सकता है, इसे प्रदूषण रोकने में मदद मिलेगी। घर में नारियल यूज होता है, हर घर में, और उस नारियल का जो करवंटी रहती है उसका उपयोग हम लोग स्मशान भूमि में उसको जलाने के लिए, अपना जो अंत्य संस्कार होते हैं तभी लकड़े के ऊपर हमारी प्रेत रखा जाता है, लेकिन उस वक्त उसको जलने के लिए हमारा यूज़ होता है रबर या टायर, और उससे एयर पोल्यूशन बढ़ता है, और वो एयर पोल्यूशन कम करने के लिए हम लोग ये नारियल की करवंटी अगर यूज करते हैं तो उसका बहुत बड़ा सहयोग एयर पोल्यूशन कम करने में हो सकता है, क्योंकि इसके लिए एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। हमारा हर बिल्डिंग का एक साफ सफाई कर्मचारी रहता है, वो हर कर्मचारी हर घर घर से अपना ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट उठा के लाता है, उसी वक्त उसको जो भी उस घर से जो नारियल का करवंटी है उसको हम लोग जमा करके उसने उसे बिल्डिंग में रखना है। संडे टू संडे भी अगर उसने जो नारियल का करवंटी है उसको अगर जो जमा करके अपना घंटा गाड़ी के जो कर्मचारी आते हैं उनके पास सौंप दिया, और वो घंटा गाड़ी के कर्मचारियों ने वो सब जितना बिल्डिंग से वो मिलेगा अपने को वो अपना स्मशान भूमि में जाके देना है, उसके लिए एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत नहीं है, और जो हमारा एयर रबर जलाते हैं या टायर जलाते हैं उसके बदले यह इस्तेमाल वो नारियल का कूड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं और एयर पोल्यूशन कम कर सकते हैं, और इसके ये प्रशासन ने यह योजना इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। शायद उनको लगता होगा कि एक्स्ट्रा मैन पावर लगेगा, लेकिन मैंने जैसे बताया कि अपने ही घंटा गाड़ी के कर्मचारी उसको उठा सकते हैं, सिर्फ उनको आदेश देना बाकी है। अगर वो आदेशित करते
हमारे कमिश्नर साहब या हमारे मेयर साहब अगर उनको आदेशित करते हैं तो ये ज़रूर बात होगी और होनी चाहिए। और मेरा विश्वास है कि कमिश्नर या मेयर साहब है इस बात को उठा के ज़रूर उसका इम्प्लीमेंटेशन करे, यह मैं नागरिकों की तरह से विश्वास देती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।